मैं ना कब से सोच रही थी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिया की कोई वीडियो हो जिसमें समंदर, दरियाए, दरियू है वो आए ना, वो आ गया। फिर आपको पता, जब समंदर आता ना तो मेरा दिल वहां ही रह जाता है। रजनीकांत, वो रजनीकांत जो है ना वो भी यहाँ से हैं, और उनकी जो मूवीज हैं आप देखते हो, और उसकी वजह से टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़े हैं, और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी ये आगे है। ये शिवाजी का बॉस है। अच्छा, ये जिनकी रोबोट मूवी भी है ना? हाँ, रजनीकांत। अच्छा, हाँ मुझे वैसे याद है पर मुझे नाम नहीं आता था। गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू YouTube चैनल से जामे रान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट जावेद वसीम, मेरे साथ हैं मेहरानस। नाजिन, तमिलनाडु के बारे में आप पहले ये देखें कि आपको इसके बारे में अंदाजा है। आपकी तो इंडिया में आपको तो पता ही होगा, हमें नहीं पता ना। हमने तो लिखा द स्टेट ऑफ एंशिएंट टेंपल्स, फैक्ट्स अबाउट तमिलनाडु। तमिलनाडु की आज हम बात करने जा रहे हैं, और देखते हैं जी कि तमिलनाडु में क्या क्या चीज़ें हैं बेहतर हैं, और उस हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं जो दुनिया को भी देखनी चाहिए। तो एक वीडियो, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब हमारे चैनल, और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। चलते हैं जी, देखते हैं। अरे तो स्टार्ट है भी फुल कमाल, फुल फुल फुल। ये देखा, ये तुम ग्रीनरी देखो, मेरा ये देख लो। ये है तमिलनाडु राज्य, जिसे भारत का इकलौता मंदिरों वाला राज्य माना जाता है। मंदिरों वाला तमिलनाडु में हजारों की संख्या में मंदिर मौजूद हैं, जिस वजह से ये मंदिरों के राज्य के रूप में पूरे भारत में पॉपुलर है। ये राज्य भारत के दक्षिण में पड़ता है, जहाँ से श्रीलंका केवल 25 किलोमीटर दूर रह जाता है। तमिलनाडु भारत का संस्कृति के मामले में सबसे पुराना राज्य है। ये राज्य तमिल भाषा बोलने वाले रिलीजियस प्रॉपर्ली है ना। तमिल भाषा 3000 साल से भी पुरानी भाषा मानी जाती है, जो आज भी तमिलनाडु के 90% लोगों द्वारा बोली जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और श्रीलंका से घिरा हुआ है। ये राज्य इतिहास में चोला, पल्लवा, पांड्या और विजयनगर डायनेस्टी के इतिहास का गवाह बना रहा है। इन साम्राज्यों के दौरान इस राज्य ने अपनी संस्कृति को आकार दिया है, जो आज भारत ही नहीं बल्कि अरब देशों और साउथ ईस्ट एशिया तक फैली हुई है। भारत की आजादी के बाद ये इलाका मद्रास का हिस्सा हुआ करता था। 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से इसका कुछ इलाका कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के पास चला गया, और 1969 में इस बचे हुए इलाके को तमिलनाडु का नाम दिया गया। तमिलनाडु के अंदर भारत में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, और सबसे ज्यादा शहरीकरण भी भारत के इसी राज्य में हुआ है, जिस वजह से इस राज्य का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI 11वें नंबर पर आता है। इस राज्य की कुल GDP का एक तिहाई हिस्सा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही आता है, और टूरिज्म के मामले में ये राज्य टॉप 3 में आता है। तमिल फिल्में भारत के साथ साथ दुनिया में देखी जाती हैं, जिस वजह से तमिलनाडु में फिल्म इंडस्ट्री की वजह से टूरिज्म काफी ज्यादा बढ़ा है। ये राज्य 1,30,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे क्षेत्रफल के मामले में 11वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल के बीच बॉर्डर का काम करती हैं। अच्छा। तमिलनाडु एक समतल और उपजाऊ भूमि वाला राज्य है, जिसमें काफी ज्यादा खेती की जाती है। तमिलनाडु की इकोनॉमी के अंदर खेती का भी एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियां मानसून की बारिश को तमिलनाडु में आने से रोकती हैं, जिस वजह से ज्यादा बारिश से ये राज्य बचा रहता है, और इसी वजह से किसानों की फसलें भी सुरक्षित रहती हैं। आपको बता दें कि चोल मंदिर, महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स और नीलगिरी पर्वत को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का खिताब भी मिला हुआ है। इस राज्य की तमिल संस्कृति को दुनिया की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक माना जाता है। इनका इतिहास लिखित तौर पर ही 2000 साल से अधिक पुराना माना जाता है। यहाँ पर कई राजाओं का राज रहा, जिस वजह से यहाँ के मंदिरों और संस्कृति में अलग अलग रंगों की छटा देखने को मिलती है। हर नया शासक यहाँ नए विशाल और सुंदर मंदिर बनवाता था, जिसकी वजह से इसको मंदिरों वाला राज्य की पहचान मिली है। तमिलनाडु में बोली जाने वाली तमिल भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, जिसे आज भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु के अलावा तमिल भाषा श्रीलंका और सिंगापुर की भी आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा ये दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और मॉरिशियस में भी बोली जाती है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मौजूद रामनाथ स्वामी मंदिर अपने रंग बिरंगे गलियारों के लिए काफी पॉपुलर है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का सबसे पुराना खेल है। ये खेल हर साल पोंगल के त्योहार पर खेला जाता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में मौजूद सिरुवनी चर्रा पूरी दुनिया में पॉपुलर है। ये शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद है।
यहाँ के कोड़ी कनाल में खिलने वाले फूल नील कुरिंजी 12 साल में एक बार खिलते हैं। और क्या आप जानते हैं कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में मौजूद हिंगिथ बॉथम्स बुक शॉप भारत की सबसे पुरानी बुक शॉप है। इसकी स्थापना साल 1844 में की गई थी, जो अभी भी उसी जगह पर चल रही है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो एक्सप्लोर वायरस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने देखो। बात है कि पसंद आया, बिल्कुल पसंद आया और आना भी चाहिए। इतना प्यारा राज्य है और इतनी प्यारी स्टेट है तो ये पसंद क्यों ना आएगी आपको? आइए कितने को दादा सिर्फ ज्यादा नहीं, मतलब मैं ना कब से सोच रही थी कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिया की कोई वीडियो जिसमें समंदर दरियाए दरियू है वो आए ना, वो आ गया। फिर आपको पता जब समंदर आता है ना तो मेरा दिल वहाँ ही रह जाता है। मैं बस ठीक है, इधर उधर ही। चलो आप उधर ही समंदर में डुबकियाँ खाओ, हम जरा बात कर लेते हैं। मैम वो आपने देखा जो मंदिर सबसे बड़ा, मैं पहले हैरान हो गई, मैं तो मुझे पता ही नहीं था कि सच में मंदिर है। मुझे लगा वैसे कोई बिल्डिंग बनाई हुई है ना, और कितना मतलब चेक करो उसका आर्किटेक्चर, उसके अंदर ये छोटा छोटा काम जो ये लोग करते हैं ना, बनाने वाले ने भी क्या खूब बनाया है वैसे। हाँ, और दूसरा इसकी देखो फिर आप ये देखो, कुदरत की कोई भी चीज़ अगर बनी है ना तो वो बगैर वजह के नहीं बनी होती। ये तो अब जिस तरह उन्होंने बताया कि ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये बारिशें जब इधर आती हैं तो वो पहाड़ों के ऊपर ही हो जाती हैं, और ये राज्य जो है ये बचा रहता है ताकि इसकी फसलें भी बची रहती हैं। तो आप देख लो कि कुदरत का कोई भी चीज़ है वो कितनी मतलब ज़्यादा जो है वो उसकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर और होती हमने है। जितनी भी मैं वीडियोज़ में रिएक्ट किया उसमें देखा आपने कि इनके जो सिटीज़ होती हैं इसमें ये किसान मतलब ये फार्मिंग बड़ी ज़्यादा करते हैं ना, फार्मिंग भी और इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा है। द ग्रेट रजनीकांत, वो रजनीकांत जो है ना वो भी यहाँ से हैं और उनकी जो मूवीज हैं आप देखते हो और उसकी वजह से टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी ये आगे है। उसके बाद अगर आप देखें क्लासिकल डांस और ह्यूमन एक्स में भी आ गया है, फिर इंडस्ट्रीज में भी आ गया है, फिर इसकी जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आ गया है। फिर मज़े की बात यह है कि ये श्रीलंका के साथ घिरा हुआ, तो श्रीलंका में भी वही जुबान बोली जाती है। इंडोनेशिया में ये शिवाजी का बॉस है। अच्छा ये जिनकी रिपोर्ट मूवी भी है ना? हाँ रजनीकांत। अच्छा मुझे वैसे याद है बट मुझे नाम नहीं आता था। हाँ, सो ये मतलब खूबसूरत है राज्य और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और ग्रीनरी ग्रीनरी कितना ऐसा खूबसूरत सा मंजर, मुझे नहीं लगता कि इंडिया के ऐसे कोई ऐसा कोई शहर है जो खूबसूरती जिसके अंदर ना हो। तो और एक तो खूबसूरती और दूसरा उसके अंदर फैसिलिटी अपॉर्चुनिटीज। कि देखो इंडिया को कभी चीज़ें चावल और दूसरी तीसरी जो एग्रीकल्चर चीज़ें हैं ये इंपोर्ट करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पड़ेगी भी नहीं मिनान क्योंकि वहाँ पे जो उनके लोग हैं वो बहुत ज़्यादा। फिर हाँ चोला अम्पायर और दूसरे तीसरे और ये यूनेस्को ने भी इसको जो है एक नेशनल हेरिटेज करार दे दिया, और अभी इसके ऊपर पॉलिस ये एक मूवी भी आई हुई थी चोला के ऊपर जिसमें चोला अम्पायर को वो हिंदू दिखाया गया था, तो वो बड़ी। और ना एक और बात ना, आप में से जो भी यहाँ गया है मुझे लाभ नहीं बताइएगा, ये जो हाथी ने आशीर्वाद दिया है ये सच में ऐसा होता है? मतलब क्या हाथी को सिखाया जाता है कि ये कुछ होता है? तब लास्ट में बताएगा, मुझे बहुत इंटरेस्ट हो रहा है सुनने में। हाँ, पता लगा नहीं वैसे वो और वो भी ऊपर डरते भी नहीं। सो सबसे बड़ी चीज जिसे वजह से तमिलनाडु कहा जाता है, यहाँ पे तमिल लोग रहते हैं। वो क्यों रहते हैं? वो इस वजह से रहते हैं क्योंकि तमिल जुबान यहाँ पे बोली जाती है, तो ये 3000 साल पुरानी जुबान है और अभी तक ये वहाँ के लोग जो 90% लोग हैं वो यही बोल रहे हैं। तो ये एक बड़ी श्रीलंका में भी हाँ वो सारी बड़ी अच्छी चीज़ें। आपको तमिलनाडु किस तरह का लगता है? और ये एक खेल के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि ये जो वहाँ पे खेल होता है वो जिसमें येलो कलर के लोगों ने पहने होते हैं लिबास और एक बैल होता है और वो उसके आगे पीछे, तो इस खेल को आपने कभी लाइव देखा है? तो अगर देखा है तो इसके हवाले से भी हमें और बताइएगा क्योंकि लोग इतने जख्मी होते हैं। आप देखा ना कैसे टांग मारी थी इसने उसका। तो कॉर्नवास के अंदर लाजमी बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो का सेक्शन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दुआ में याद रखें, अल्लाह ने के बाद।